हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये आप देख रहे हो फॉइल एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर, इस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे चैनल पर इससे पहले आपको ये वीडियो नहीं मिला है, ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और सीधा मैं कंपनी में आया हूँ। ये आप मशीन देख सकते हो, ये मशीन है। इस मशीन को आपको रन होते हुए दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये मशीन काम करता है और कैसे आप इस मशीन को चला करके अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। ये एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर का यूज यानी इसका जो इस्तेमाल होता है वो आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पे होता है। जब शादी विवाह का समय आता है तो उस टाइम पे लोग जो है इसको मिठाइयाँ वगैरह पैक करके देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ आप जो है इसको होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा पर भी सेल किया जाता है ताकि लोग जो है अपना जो खाना होता है उसको, फूड होता है उसको इसमें रख करके और उसके बाद में दूसरे जगह पर पहुँचाते हैं। तो इसका बिजनेस जो है कभी भी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि इस ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसा नहीं है कि ये पॉलीथीन है जो आपका वेस्ट में चला जाएगा, मतलब वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है और इसका जो मार्केट है, मार्केट डिमांड वो हमेशा बना रहता है। तो अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हो तो काफ़ी अच्छा पैसा इस बिजनेस से कमा सकते हो। तो हम इस बिजनेस की जानकारी लेंगे मैम से, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये मशीन किस तरीके से काम करता है और इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है, मैं SBS कंपनी से बात कर रही हूँ। आज जो मैं जिस मशीन के बारे में बताने वाली हूँ वो एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर मशीन है। इस मशीन में जो रहता है पीछे से जो ये आता है, यहाँ पे आप रोल लगाते हो एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर का, जो स्पेस दे रखा है आपको रोल फिट करा जाता है। आप आएगी आइए मिनट सर, ये जो आपका होता है सर ये ऑन ऑफ बटन होता है जहाँ से आप ऑन और ऑफ करते हो मशीन को। प्लस जो रहता है ये आपका मोल्ड रहता है, ये डाई रहता है, यहाँ पे आपका डाई लगता है। तो यहाँ पे आप किसी भी मोल्ड, जैसे आपको 250 450 जो भी आपको मोल्ड, आपको मतलब किसी भी तरह की डाई लगानी हो आप डाई लगा के आप अपना फॉइल कंटेनर का जो कंटेनर से ही बना सकते हैं। मतलब इसमें जो है छोटा बड़ा जिस भी साइज का हम चाहें, हाँ जी हाँ जी, हर साइज का इसका जो डाई है वो चेंज करके बना सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, हर साइज का बन जाएगा सर। अच्छा, इसमें मोटर, जो मोटर लगा हुआ है ये कितने एचपी की मोटर इसमें लगी हुई है? 3 HP का मोटर लगा रहता है सर इसके अंदर। मोटर की कोई वारंटी गारंटी सर इसमें जो रहती है? आपको 4 ईयर का सर्विस पीरियड मिला जाता है, एक 1 ईयर की गारंटी रहती है, 3 ईयर की आपको वारंटी मिलती है इस मशीन में। अच्छा, तो ये मशीन जो मतलब अगर कोई खरीदता है तो किस कनेक्शन पे चलेगा ये मशीन? आपका 3 फेज पे चलता है सर, ये 3 फेज कनेक्शन पे चलेगा। हाँ जी हाँ जी। इस मशीन से हम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे एक घंटे सर? इसमें जो 1 मिनट का जो कैप का रहता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी रहती है 45 से 60 पीसेस रहती है 1 मिनट की। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो यानी कि 1 मिनट में हम 4500 बना लेंगे, 1 घंटे में 3600, मतलब 1 घंटे में 3600 पीस बना लेंगे। अच्छा, इसका जो लागत आता है वो कितना आता होगा पर पीस? जो इसका रहता है सर, अगर आप जितना प्रोडक्शन करते हो, पहले तो आप इसको 2 शिफ्ट में चला सकते हो, 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट में चला सकते हो। बाकी इसका प्रोडक्शन मैंने बताया, जैसे आपको बताया 45 से 60 पीसेज है। अब इसका जो प्रॉफिट रहता है सर आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपने जितना आप अच्छा खासा इसको बेच लेते हो, जो माल आप प्रोड्यूस बना रहे हो उसको आप बेच लेते हो, तो कम से कम 1 महीने का 1 दिन का जो आपका प्रॉफिट रहता है सर वो आपका 10 से 12 हज़ार रहता है 1 दिन का प्रॉफिट। 1 दिन का? हाँ जी। अच्छा अच्छा, इस बिजनेस को गाँव में ही केवल शुरू किया जा सकता है, शहर में भी? दोनों जगह पे किया जा सकता है। आजकल जो आज की डेट में हम देखते हैं जो भी कंटेनर्स होते हैं इनका बहुत ज्यादा डिमांड है सर। आप चाहे ठेले वाले के पास जाओ, रेडी वाले, रेस्टोरेंट में जाओ, ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे आपको जहाँ से मंगवाना है खाना आपको इसी में आपको कंटेनर पैक करके देता है। आप नॉर्मली एक ठेले वाले के पास भी जाओगे ना, आपको इसी में टिक्की वगैरह जो भी आप करते हैं पैक करके। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है सर इसमें, ये तो देखो आपका ये रियूजेबल है, मतलब कि आपको दोबारा इसको मैं बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आज आप चला रहे हो कल ये बंद हो जाएगा, बंद होने वाला बिजनेस नहीं है सर। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है इस मार्केट में, ये बहुत कम, ये जो मशीन लगी हुई है बहुत कम है मशीन। इस मशीन को लगाने के लिए स्पेस कितना चाहिए? स्पेस चाहिए आपका 10x15 के स्पेस पे आराम से लग जाएगा, यानी 10x15 का रूम होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद में कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है? हाँ जी हाँ जी, आराम से। सर जैसे कि आपको मैंने सारा डिटेल बता दिया मशीन के बारे में, और इस मशीन अगर देखो आपको जो भी आप जो वीडियो आ गई इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर शो होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके सारा डिटेल ले सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। नमस्ते।